टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के लिए वक्त बद से बदतर होता चला जा रहा है। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी शनिवार को एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि मोहम्मद शमी देहरादून से दिल्ली आ रहे थे। उसके बाद मोहम्मद शमी की गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद शमी के सिर में चोट लगी और उसके बाद उन्हें 10 टाके आए। अब कई लोगों का ये कहना है कि मोहम्मद शमी का एक्सीडेंट करवाया गया है और ये एक्सीडेंट करवाया है उनकी पत्नी हसीन जहां ने। आपको बता दें कि हसीन जहां और मोहम्मद शमी के बीच विवाद पिछले 20 दिनों से चल रहा है। हसीन जहां ने शमी पर घरेलू हिंसा जैसा संगीन आरोप लगाया है और कई बार हसीन जहां मोहम्मद शमी के खिलाफ बोलती हुई भी नजर आ रही हैं। ऐसे में अब मोहम्मद शमी को जब BCCI की तरफ से क्लीन चिट मिल गई थी तो वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। अब इसके बाद मोहम्मद शमी का एक्सीडेंट हुआ तो कई लोगों का कहना है कि मोहम्मद शमी के इस एक्सीडेंट के पीछे उनकी पत्नी का हाथ हो सकता है। वेल, अब ये बात कितनी सच्ची है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस समय मोहम्मद शमी का वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।